हाय स्टूडेंट्स, आज यूट्यूब क्लास को मुझे डीके सार स्वागत जनावि। पे पूर्व वीडियो रे आमे एक्सरसाइज 5A र समस्त प्रश्नर समाधान आम कर सारी एवं आम गोटे नुआ चैप्टर एक्सरसाइज 5B को जीवा जोटा कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत पिला टिके चैप्टर को लेकिन कन्फ्यूज हूँ तो भल भाव से बुझा दरकार प्रकृत आम कौन कराऊँच क्वेश्चन आम कौन कही ठीक भाव में धरिया दरकार और सठिक भाव आम फॉर्मूला को अप्लाई करके आम सूत्रटी फॉर्मूला सूत्रटी पकईकी आम तार समाधान करवा दरकार और कैलकुलेशन को ठीक भाव में सुचारू रूपे करवा दरकार। तेज आस पाने आज आम एक्सरसाइज 5B र इंट्रोडक्शन पार्ट को जीवा और एक्सरसाइज 5B रे आम जहाँ जहाँ बाहर करा कही जो फॉर्मूला गुड़ी आम जाना फॉर्मूला गुड़ी आम डिड्यूस करवा निजे आम बाहर करवा बाहर कर प्रणाली आम जाना किभली आम फॉर्मूला को बाहर कर पारा तो आम से विषय टी आलोचना करवा एवं विभिन्न जो टर्म गुड़ाक वृत्त वृत्तकला वृत्त खंड एवं बलयर क्षेत्रफल दुईट बलयर क्षेत्रफल अंतर वृत्त खंडर क्षेत्रफल ये सब विषय आम आलोचना करवा। प्रथम आम टर्म गुड़िक बुझा से टर्म गुड़िक कौन वृत्तर से किभली अवस्था रहे तार फिगरटा केमती भाव हम से कथा आम बुझा एवं तार फॉर्मूला को आम बुझा तापर आम अंक जो करवा से गुड़ी आमको सहज लगे और फॉर्मूलाटा को आम सठिक भाव में आप्लाय करके कैलकुलेशन को ठीक भाव करके उत्तर टी बाहर करवा। तेज आस पाने आज आम एक्सरसाइज 5B र इंट्रोडक्शन पार्ट को जीवा जोटा कि मेन्सुरेसन अच्छी जेमटी रहा मेन्सुरेसन मन रख पाने मेन्सुरेसन बा परिमिति जोटा कह मेन्सुरेसन बा परिमिति तो परिमित रे आम पार्टा को जीवा एक्सरसाइज 5B को जीवा। ताले एठी आम कह प्रथम कह वृत्तर क्षेत्रफल ताले वृत्तर क्षेत्रफल प्रथम फर्मुलाटी ना आम वृत्तर क्षेत्रफल जदि वृत्तर व्यासार्ध आर हुए वृत्तर क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्तर क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर तो आर है व्यासार्ध ये है वर्ग एकक। ये आम वर्ग एकक कहीं कह जेहेतु व्यासार्धर वर्ग होची व्यासार्ध मन 5 सेंटीमीटर तेणु 5 सेंटीमीटर इंटु 5 सेंटीमीटर जिते लिखुंट से 5×5 है 25 सेंटीमीटर इंटु सेंटीमीटर है वर्ग सेंटीमीटर से भाई मीटर है वर्ग मीटर एकक है वर्ग एकक आम लिखिपर तो आमे तो मीटर सेंटीमीटर को जाना ना आम एकक लिखा जितेबाला आम क्वेश्चन ले सेंटीमीटर दे आम से अनुसार वर्ग सेंटीमीटर लिखा जदि मीटर दे आम से वर्ग मीटर लिखा जदि किलोमीटर दे वर्ग किलोमीटर लिखा इत्यादि। सो बर्तमान आम कह वृत्तर क्षेत्रफल वृत्त कौन तुम जान गोटे समतल एक निर्दिष्ट बिंदु गोटे समतल एक निर्दिष्ट बिंदुर रु एक निर्दिष्ट दूर थिवा बिंदु गुड़िकर समाहार बिंदु गुड़ी नहीं जो सेट हम से आम कह वृत्त एवं वृत्तर क्षेत्रफल है मैंने आम एटा कह वृत्तर केन्द्र जो निर्दिष्ट बिंदुटी कहले वृत्तर केन्द्र एवं वृत्त उपर गोटे बिंदु जदि आम ए नहीं जावा एवं केन्द्र को ए बिंदु सहित जो करदे जहाँ हम तार दैर्घ्य हम व्यासार्ध तो व्यास तार दैर्घ्य को आम आर ने आर एकक एवं ओ ए होची व्यासार्ध एटा आर एकक होची व्यासार्धर दैर्घ्य तो व्यासार्ध कहला मैंने गोटे रेखाखंड ओ ए को बुझा व्यासार्ध दैर्घ्य कहला मैंने आम तार माप को बुझा जोटा कि आम ये आर एकक भाव में नहींचि वृत्तर व्यासार्ध आर एकक हुए क्षेत्रफल जो पाई इंटु आर स्क्वायर वर्ग एकक बाटा को जदि सूत्र आम एमती करपर एटा है पाई आर इंटु आर वर्ग एकक समान आपको लिख पाई आर है अर्ध परिसीमा आम जानते 2π आर परिसीमा है परिधि बा अर्ध परिधि परिधि है 2π आर तेणु अर्ध परिधि है पाई आर तो टू परिधि है 2π आर तो अर्ध परिधि है 2π आर बाय 2 इज इक्वल टू पाई आर तेणु याकु आम लिखिपर अर्ध परिधि बा अर्ध परिसीमा परिधि इंटु व्यासार्ध ये आम लिखिपर
अर्धपरिधि इंटु व्यासार्ध ये सर्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट से मुझे देखेदेली तो आम वृत्तर क्षेत्रफल को लिखिपर अर्धपरिधि इंटु व्यासार्ध तो ये गोटे सर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट मनकर दे गोटे वृत्तर अर्धपरिधि है 10 सेंटीमीटर और व्यासार्ध हूँ 5 सेंटीमीटर वृत्तटर क्षेत्रफल के तो से ही अनुसार आम अर्धपरिधि इंटु व्यासार्ध फर्मूला पक बाहर कर देपर तेणु ये सर्ट क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट तो मन रखी था पिला माने वृत्तर क्षेत्रफल है अर्धपरिधि इंटु व्यासार्ध कहीं परिधि तुम जानो एति परिधि जेहेतु ये अर्धपरिधि आम बाहर करदेल तो यही भाव में आम से सूत्रटी को लिखिपर तो ये गला वृत्तर परिधि वृत्तर क्षेत्रफल विषय एबे आसु आमे वृत्तीय बलयर क्षेत्रफल वृत्तीय बलयर क्षेत्रफल देख वृत्तर बलय कह मैंने कौन बुझा गोटे ये है दुईट एककेंद्रिक वृत्त ना दुईट एककेंद्रिक वृत्तर जदि आम दुईट एककेंद्रिक वृत्त कहार अर्थ हो दुईट वृत्तर गोटे निर्दिष्ट बिंदु तार निर्दिष्ट केन्द्र रुक आम दुईट एककेंद्रिक वृत्त कह तेणु वृत्तर ये हूँ दुईट एककेंद्रिक वृत्त नहीं बड़ वृत्तर व्यासार्ध को आम बड़ आर धरदे छोट वृत्तर व्यासार्ध को स्मॉल आर नहीं गले तो ये आपको आम कह बलय तो ये पार्टी तुम देखु रास्ता भली देखा यहाँ हूँ बलय बलय आकृति होकर बलय कह ये बलयर क्षेत्रफल कौन हम ना बड़ वृत्तर क्षेत्रफल माइनस छोट वृत्तर क्षेत्रफल हम बलयर क्षेत्रफल तो ये हूँ बलय तो अर्ध बड़ वृत्तर क्षेत्रफल माइनस छोट वृत्तर क्षेत्रफल है ये बलयर क्षेत्रफल तो मन रख पे मैंने बलय ये पार्टा तुम देखु जो गार चिन्हित अंश मार्क कल जो बिंदु बिंदु देखो आम बलय कर बलयर क्षेत्रफल हो बलयर क्षेत्रफल ये बड़ वृत्तर क्षेत्रफल बड़ वृत्तर व्यासार्ध को बड़ आर धरती पाई आर स्क्वायर माइनस ये छोट वृत्तर क्षेत्रफल पाई स्मॉल आर स्क्वायर ये बलयर क्षेत्रफल जदि आम पाई कमन नहीं जावा यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ये वर्ग एकक तेणु तेणु आर स्क्वायर वर्ग एक कहीं आर इंटु आर दी थर गुणा होने वर्ग एक लिखा कि वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर वर्ग किलोमीटर जहाँ थी आम से अनुसार लिखा तो ये है बलयर क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वर्ग एकक तो ये हूँ बलय किए ना ये पार्टी आम देखुं गार चिन्हित अंश ये हूँ बलय बलय आकृति कहूर तक बलय कह बलयर क्षेत्रफल है बड़ वृत्तर क्षेत्रफल अर्थात पाई बड़ आर स्क्वायर माइनस छोट वृत्तर क्षेत्रफल अर्थात पाई छोट आर स्क्वायर आपको जदि आम कमन नहीं जा पाईटी बर्तन ये हम तार फर्मूला ये हूँ बलयर क्षेत्रफल ये हूँ गोटे फर्मूला आपको तुम्हें जाणी दरकार निहाती पाने तापर आम आसवा गोटे वृत्तकार क्षेत्रफल तुम्हें आगु वृत्तकला विषय पढ़ीच तेणु जाच से विषय ये फर्मूला नंबर वन फर्मूला नंबर टू आपको भल भाव ध्यान दि एवं तुम्हें बुझाक चेष्टा कर बुझीगले तुमको सहज लगे ये दुई नंबर फर्मूला बर्तमान आम तीन नंबर फर्मूला को आसवा बर्तमान आम कह वृत्तकार क्षेत्रफल प्रथम आम बुझा वृत्तकला कहले क्या बुझा तो तृतीय आम कह वृत्तकार क्षेत्रफल वृत्तकार क्षेत्रफल तो वृत्तकला कह मैंने आम क्या बुझा देखा ये हूँ गोटे वृत्त वृत्तर ये है गोटे चाप एक्स बी चाप तो ये है केन्द्र ओ ए व्यासार्ध एवं ओ बी व्यासार्ध को आम अंकन करदे यो पार्टी आम देखुं ये हूँ वृत्तकला यो पार्टी आम देखुं आपको आम कह वृत्तकला आपको आम कह वृत्तकला वृत्तकला ताल का नहीं गठित ये है व्यासार्ध ये है व्यासार्ध ये है चाप तेणु ये है चाप
ये है चाप, ये है गोटे व्यासार्ध एवं गोटे व्यासार्ध। ताले वृत्तर केन्द्र रु दुईट व्यासार्ध एवं चाप, दुईट व्यासार्ध एवं चाप को लेकिन जो क्षेत्र टी देखु आम कह वृत्तकला। तेणु वृत्तकार क्षेत्रफल कह मैंने ये गार चिन्हित अंश होार क्षेत्रफल को आम बुझा, तेणु वृत्तकार क्षेत्रफल आम से अनुसार निर्णय करपर। तो ये वृत्तकला ओ ए एक्स बि वृत्तकला कहींपर ये वृत्तकार ये हूँ केन्द्रस्थ कोण। जदि यही केन्द्रस्थ कोणटा थीटा हम, जदि यही केन्द्रस्थ कोणटा थीटा हम, जदि केन्द्रस्थ कोणर परिमाण थीटा हम, ताले आमे ताको कहिबा केन्द्रस्थ कोण बा चापटी केन्द्र जो अंकन कोण अंकन करछि ताको जदि आमे परिमाण को थीटा कहिबा, ताले आमे फॉर्मूला को लिखपरिया वृत्तकार क्षेत्रफल थीटा बाय 360 डिग्री इंटु वृत्तर क्षेत्रफल। तो ये गोटे फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटु वृत्तर क्षेत्रफल। तेणु ये गोटे फॉर्मूला को आको आम यूज करपर। आउ गोटे फॉर्मूला मध्ये यूज करपर सेकेंड विट, आउ गोटे फॉर्मूला यूज करपर वृत्तकार क्षेत्रफल फॉर्मूला है थीटा बाय 360 डिग्री इंटु वृत्तर क्षेत्रफल मीन्स पाई आर स्क्वायर। तो वर्ग एकक। तो ये वृत्तकार क्षेत्रफल, ये गोटे फॉर्मूला आपको आम वृत्तर क्षेत्रफल नहीं गले एटाक आम वृत्तकार क्षेत्रफल कहींपर। तो आउ गोटे फॉर्मूला को आम लिखिपर वृत्तकार क्षेत्रफल है वृत्तकार क्षेत्रफल है हाफ इंटु चापर दैर्घ्य इंटु आर, हाफ इंटु चापर दैर्घ्य इंटु आर कहींपर। जोटी आम फॉर्मूला लिख आम जानते एल इज इक्वल टू एल, एल इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू थीटा द्वारा जदि रेडियन थोड़ा आम लिखिपर एल बाय आर। जदि थीटाटा रेडियन थोड़ा आम कह थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर। ये गोटे सूत्र मन रखता बा गोटे चापर दैर्घ्य एवं व्यासार्धर अनुपात, चापर दैर्घ्य है एल विभक्त व्यासार्ध, चापर दैर्घ्य एल बाय वृत्तर व्यासार्ध इज इक्वल टू जो कोणर रेडियन परिमाप को बुझा कोणटर रेडियन परिमाप जदि थीटा हुए ताले थीटा रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर बोली आम कहींपर। से आम कहींपर एल इज इक्वल टू से आम कहींपर एल इज इक्वल टू आर थीटा, जोटी की थीटाटा हूँ रेडियन थीटा हूँ थीटा कौन ना कोणटीर रेडियन परिमाप, कोणटीर रेडियन परिमाप, रेडियन परिमाप बोली कहिबा, रेडियन परिमाप बोली कहिबा थीटा हूँ कोणटीर रेडियन परिमाप। से अनुसार आम सेटा को टिके मेंशन करवा जहाँफल कि तुमको बुझापी सहज हम। तो ये कथाटा जानवा दरकार सर्ट क्वेश्चन एगुड़ाक सब पड़ी जाए। तो थीटा हूँ रेडियन परिमाप। तेणु ये आम कह वृत्तकार क्षेत्रफल, ये वृत्तकार क्षेत्रफल आम आउ गोटे फर्मूला को आड करपर से वृत्तकार क्षेत्रफल जुगल के एल जगार आम आर थीटा बसईद हाफ एल जगार एल परिवर्त आम बसईद आर थीटा इंटु आर इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर आर थीटा इंटु आर, जोटा कि हाफ आर स्क्वायर थीटा, थीटा हूँ रेडियन कोणर कोणर परिमाण थीटा रेडियन बा कोणटीर रेडियन परिमाप थीटा। खाली मन रखिदे आगे लिखी जदि कोणटीर रेडियन परिमाप थी ताले आम यही सूत्र पकई पार, ना जदि डिग्री परिमाप थी ताले आम फॉर्मूला को पकई पार। जदि डिग्री परिमाप थी ताले यही पकेबा थीटा, जदि डिग्री परिमाप ये कह थीटाटा डिग्री परिमाप थीटा हूँ कोण, थीटा हूँ कोणटीर डिग्री परिमाप मन रख पे डिग्री परिमाप। तो डिग्री परिमाप थी आम यही सूत्र बसईदे किंबा जदि ये थीटा को यूज करवा ये आम रेडियन परिमाप थी आम सूत्र यूज करपर।
किंतु जदि हाफ एल आर सूत्र पकिया ताले आमर रेडियन सहित किंवा डिग्री सहित संपर्क नाही, आम एल एवं आर रो फॉर्मूला को वैल्यू बसे देकि आम हाफ एल आर पकई परिया। तो वृत्तकणार क्षेत्रफल ये गोटे है थीटा बाय 360 इंटू वृत्तर क्षेत्रफल, तार आउ केतरा सब फॉर्मूला देले थीटा बाय 360 वृत्तर क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर वर्ग एकक, तापर आउ गोटे फॉर्मूला है हाफ एल आर, आउ गोटे फॉर्मूला है हाफ इंटु आर स्क्वायर थीटा, हाफ इंटु आर स्क्वायर थीटा ये आउ गोटे फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला गोटे टिके भल भाव मन रखिब एवं जाफळे कि तुमको अंक करिया पई सहज हो। तो ये होची फॉर्मूला गुड़िक वृत्तकणार क्षेत्रफल निर्णय करिया पई ये होची सूत्र। तो देन आम आसवा वृत्त कला गला, तापर आम आसवा वृत्त खंड को आसवा, तापर आम आसवा वृत्त खंडर क्षेत्रफल, वृत्तर वृत्त खंड किए आम प्रथम बुझा, तापर आम वृत्त खंडर क्षेत्रफल कथा आसवा। एवं नंबर फोर को आसवा वृत्त खंडर क्षेत्रफल, तार फोर नंबर फोर को आसवा वृत्त खंड क्षेत्रफल। तेणु वृत्त खंडर क्षेत्रफल ये आसवा प्रथम बुझा आम वृत्त खंड कौन, ये है गोटे वृत्त, ये वृत्तर ये है गोटे वृत्तकला मार्कर पे मैंने ये है गोटे वृत्तकला, ए एक्स बी चाप आम नहीं ओ है केन्द्र, तेणु ये है वृत्तकला। ये वृत्तकलू ये जो वृत्तकलू ये त्रिभुजटा को फेड़देले ये गला वृत्तखंड, यहाँ मार्कर पे जोटा गार चिन्हित अंश तुम देखु या आम वृत्तखंड कह वृत्तखंडर क्षेत्रफल के वृत्तकलार क्षेत्रफल माइनस त्रिभुजर क्षेत्रफल। तेल ये आम कह एक्स बी ए वृत्तखंडर क्षेत्रफल, ये कह वृत्तखंड ये दुईट वृत्तखंड हो गोटे यटा को आम वाई लिखिदार, तेणु आम प्रथम गोटे वृत्तखंडर क्षेत्रफल कह वृत्तखंडर क्षेत्रफल आम दुईट कथा आसब, ताले गोटे क्षुद्रतर वृत्तखंड आ गोटे बृहत्तर वृत्तखंड, वृत्त को जो दुईट अंशर विभक्त करेटा को आम वृत्तखंड कौन, तेणु ये ए एक्स बी ए ये गोटे वृत्तखंड, तापर ए वाई बी ए ये आउ गोटे वृत्तखंड, तेणु ये क्षुद्रतर वृत्तखंड है ए एक्स बी ए, बृहत्तर वृत्तखंड है ए वाई बी ए ये है बृहत्तर वृत्तखंड और क्षुद्रतर वृत्तखंड। तेणु आम कह बर्तमान दुईट वृत्तखंड कह ये आम कह फास्ट सूत्र लिखा फास्ट बिटटा बाए लिखा ए एक्स बी ए क्षुद्रतर वृत्तखंडर क्षेत्रफल समान, ताले गोटे क्षुद्रतर वृत्तखंड रहिला एवं गोटे बृहत्तर वृत्तखंड रहिला, ताले क्षुद्रतर वृत्तखंडर क्षेत्रफल है कहवा ओ एक्स बी ओ एक्स बी वृत्तकलार क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ ए बी र क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी र क्षेत्रफल। तो यही भाव में आम विभिन्न परिस्थिति रे त्रिभुजटा की प्रकार त्रिभुज अच्छी आम से अनुसार त्रिभुज क्षेत्रफल पकई पारिबा एवं वृत्तकलार क्षेत्रफल विभिन्न परिस्थिति रे कौन कौन आमको डाटा देछि से अनुसार आम वृत्तकलार क्षेत्रफल पकई पारिबा। तापाई स्पेसिफिक सूत्र किछि आम लिख पारियानी कहीं ना ये वृत्तकलार क्षेत्रफल आम कौ परिस्थिति रे कौन दे आम से अनुसार पकेबा एवं वृत्त त्रिभुजर क्षेत्रफल आम कौ परिस्थिति रे कौन दे आम से अनुसार आम सूत्र पकेबा। तेणु ये है क्षुद्रतर वृत्तखंडर क्षेत्रफल,
ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ବୃହତ୍ତର ହେଲା ଏ ୱାଇ ବି ଏ ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡସ୍ଥ କୋଣ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ବା ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ନା ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଏ ଏକ୍ସ ବି ଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ବୃତ୍ତରୁ ଆମେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ବା ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ବା ଏ ୱାଇ ବି ଏ ଏଇ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସୂତ୍ର ଲେଖୁନି, ଆମେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟାକୁ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର, କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ କିଏ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଟିକେ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ଏକ୍ସ ବି ଓ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ବା ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଓ ଏ ଏକ୍ସ ବି ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ ଓ ଏ ବି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ତାହେଲେ ବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାଇନସ୍ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଏ ସୂତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ରହିଲା ବୃତ୍ତକଳା ରହିଲା, ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତଖଣ୍ଡ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ବଳୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ବଳୟ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 5କୁ ଯିବା। ଆମେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତକଳାଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର, ବୃତ୍ତ 5 ନମ୍ବରରେ ଲେଖିବା ବୃତ୍ତକଳାଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବୃତ୍ତକଳାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର। ଏଠି ଆମେ ଫର୍ମୁଲାଟି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର କରିଦେଉଛି, ଇଏ ବୃତ୍ତକଳା ଦ୍ୱୟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଅନ୍ତର ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକଳାର ଅନ୍ତର କେଉଁ କେସ୍ରେ ଆମେ ପାଇବା ସେଟାକୁ ଆମେ କହିବା। ଦୁଇଟି ଏକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ନେଇଯିବା, ଏଠି ଦୁଇଟି ଏକକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବୃତ୍ତ ନେଇଗଲେ ଏଇଟା ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ଓ, ଏ ଏକ୍ସ ବି, ଏଇଟା ସି ୱାଇ ଡି ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି ହେଲା ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ବୃତ୍ତର
बृहत्तर वृत्तर टे बंका टा हो गला तेणु ये वृत्त कलाद्वय क्षेत्रफल अंतर कह मानते यही आम बुझा वृत्त कलाद्वय क्षेत्रफल अंतर ये हूँ वृत्त कलाद्वय क्षेत्रफल अंतर कह मैंने ये पार्टी आम देखुंस यहाँ देखा ये हूँ वृत्त कलाद्वय क्षेत्रफल अंतर ताले ये गोटे वृत्त कला ए ओ ए एक्स बी ये गोटे बृहत्तर वृत्त कला एवं ये ओ सी वाई डी ये गोटे क्षुद्रतर वृत्त कला तेणु ये दुईट क्षेत्रफल अंतर आम बाहर करवा बर्तमान देख योणटा जदि थीटा हो गला योणटा जदि थीटा हो गला एवं यही स्मॉल आर यही व्यासार्धटा जदि स्मॉल आर है अंत व्यासार्ध एवं यहीटा जदि कैपिटल आर है बही व्यासार्ध एटा कैपिटल आर धरवा एटा स्मॉल आर धरदे तेल आम कह अंतवृत्तर अंत भितर थिबा वृत्त बा छोट वृत्तटी एटा को एस वन वृत्त कहीपर कि एस टू वृत्त कहीपर ताले एस वन वृत्तर वृत्त कला है ओ ए एक्स बी एवं एस टू वृत्तर वृत्त कला है ओ सी वाई डी ए दुईटी क्षेत्रफल अंतर आम निर्णय करने जीवा तो यही भाव में आम निर्णय करवा तो चित्रटी भी सेमती बहरे ताले एटी आम लिखिद एककेंद्रिक वृत्तर केन्द्र ओ ए दुईट वृत्त कला से चाप समान डिग्री परिमाप थीटा एवं व्यासार्ध कैपिटल स्मॉलर ताले वृत्त कलार क्षेत्रफल अंतर इज इक्वल टू ताले एटा को आम लिखिपर एस एस वन ओ एस टू दुईट एककेंद्रिक वृत्त एस वन ओ एस टू दुईट एककेंद्रिक वृत्त एवं सेमानंकर चापर चापद्वय र केन्द्रस्थ कोणी केन्द्रस्थ कोणर परिमाण समान थीटा केन्द्रस्थ कोणर परिमाण डिग्री परिमाप डिग्री परिमाप कहवा डिग्री परिमाप थीटा एवं व्यासार्ध द्वय व्यासार्ध द्वय कैपिटल आर एकक ओ स्मॉल आर एकक आम कैपिटल आर एकक एवं स्मॉल आर एकक धरदे व्यासार्ध द्वय एवं आम थीटा पाइले कैपिटल आर पाइले स्मॉल आर पाइले एवं चाप द्वय को आम धरदा एक्स बी ए एक्स बी चापर दैर्घ्य कैपिटल एल एकक ओ सी वाई डी चापर दैर्घ्य स्मॉल एल एकक बा एल वन एल टू कहीपर
L1 एकक ओ L2 एकक तो यही धरदे तो L1 इज इक्वल टू आम ये सूत्र पकेबा ताले वृत्तकार अत वृत्तकार कलाद्वयर क्षेत्रफल अंतर वृत्तकार क्षेत्रफल अंतर आम नवा अंतर कहला मैंने हमें मॉडुलस लिख दे परिवा अंतर इज इक्वल टू लिख दे परिया एठारे ओ ए एक्स बी वृत्तकड़ाटा तो बड़ अच्छी आम जानते तेणु अंतर कहीदे माने आम लिखिद जितेबाला अन्य को परिस्थिति रे आमर अंतर थिबो से कथा को आम दर्शाई परिवा तो वृत्तकड़ा द्वारा क्षेत्रफल अंतर है कौन ना इज इक्वल टू मॉडुलस अंतर माने अंतर मीनस मॉडुलस नवा आब्सोल्यूट वैल्यू नवा तो आब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वृत्तकला द्वारा क्षेत्रफल अंतर ताले एटा हबो थीटा बाय 180 डिग्री थीटा बाय 360 डिग्री इंटु पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा बाय 360 डिग्री इंटु पाए स्मॉल आर स्क्वायर ये ला अंतर कहने आम मॉडुलस नहीं जावा सो थीटा बाय 360 डिग्री इंटु पाए आर स्क्वायर थीटा डिग्री थीटा बाय 360 डिग्री इंटु एटा लिख परिया तो इज इक्वल टू आम एटार जेहेतु बड़ कैपिटल आर बड़ आर आम जानते बड़ वृत्त से मॉडुलस न लिखले भी चलो एक केस कहीं बड़ वृत्त सान वृत्त आम जापरती तो एथरु आम मॉडुल एटा तो बड़ हेला आम मॉडुलस न लिखले भी चलो एक केस जेहेतु बड़टा आम जाणी दौंस तेणु एटी हो थीटा बाय 360 आम कमन नहीं जावा पाए कमन नहीं जावा एला आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो ये हला गोटे सूत्र बलयर क्षेत्रफल बाहर करने ये गोटे बलयर क्षेत्रफल अंतर ये बाहर करने ये हला गोटे सूत्र यही सूत्रटा को आम आउ टे पर यही सूत्र को आम आउ टे पर तो आम बेटर मॉडुलस लिखिद फर्म्रे आसीज सुविधा हम तो इज इक्वल टू आम लिखिपर थीटा बाय 360 इंटु पाए ये तो ध्रुव ये तो पॉजिटिव है थीटा पॉजिटिव 360 पॉजिटिव पाए भी पॉजिटिव तेणु यहाँ मॉडुलस है आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटु पाए यटा को आम भांगी देपर आर प्लस आर इंटु आर माइनस आर तो इज इक्वल टू आम लिखिपर इज इक्वल टू जेहेतु यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पॉजिटिव आर प्लस आर को आम पॉजिटिव ताको आम दुई प्रकार लिखिपर गोटे थीटा बाय 360 थीटा बाय 360 इंटु पाए इंटु आर प्लस आर इंटु मॉडुलस ऑफ आर माइनस आर कहीं आम ये तो आरटा धनात्मक स्मॉल आर कैपिटल आर धनात्मक ये लिखिद जो भी मन कर व्यासार्ध आम जाना नौटा बड़ कौटा छोटा जाना नई केस आम मॉडुलसटे नहीं गले भल हम तेणु आम कह तो इज इक्वल टू थीटा बाय थीटा बाय 360 इंटु 2 पाई आर तो पाई आर स्क्वायर एम लिखिपर तो इज इक्वल टू थीटा बाय 360 इंटु पाई आर प्लस आर
ଏଇଟା ହେଉଛି ବୃତ୍ତକଳାର ବ୍ୟାସଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଚାପଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟର ସମଷ୍ଟି। ତାହେଲେ ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଅଫ୍ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଏଇଟା ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ବା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେଉଛି ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ନ ହେବ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଏ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟା କହିବା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ବା ଆର୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଟୁ ଆର୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଟୁର ମଡ଼ୁଲସ୍ ନେଇପାରିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କହିଲେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଦେବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଦେଇଦେବା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ରୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କଲେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚାପଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଚାପଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ତା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚାପଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଏଇଟା ତ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆର୍ଟା ସ୍ମଲ୍ ଆର୍ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠି ଆର୍ ୱାନ୍ ଆର୍ ଟୁ ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏଇଭଳି ଫର୍ମରେ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା ଅନ୍ତର ମିନ୍ସ ଇଟ୍ସ ଏ ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ତ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ଟା ଧନାତ୍ମକ ହେଉ କିମ୍ବା ଋଣାତ୍ମକ ହେଉ ତ ତା'ର ମଡ଼ୁଲସ୍ କହିଲା ମାନେ ଧନାତ୍ମକ ହେବ ସେ ତେଣୁ କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେବ କେଉଁଟା ଛୋଟ ହେବ ତା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚାପଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ଇଣ୍ଟୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ଇଏ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମୁଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତୃତୀୟ ଫର୍ମୁଲାକୁ ଆସିବା ଏ ଯେମିତି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମୁଲା ଏ ଦିଗରେ ଗଲେ ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିପାରିବା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ଯେଉଁ ଆର୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଥିଟା ବାଇ ବା ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରିଦେବା ବେଟର୍ ହେବ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ତିନିଶହ ଷାଠିଏ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ର ମଡ଼ୁଲସ୍ ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ତ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଦେଖିବା ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ କହିପାରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ମଡ଼ୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ବା ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଚାପଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର ବ୍ୟାସଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ହାଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ ଇଣ୍ଟୁ ପାଏ ଆର୍ ମାଇନସ୍ ଆର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ ତ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଲିଭେଇ ଦେବା ଉପରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ଲେଖିବା ଟିକିଏ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ବାହାରିଲା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ କାଲକୁଲେସନ୍ଟି କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମୁଲାଟି ବାହାର କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ତ ଇଏ ହେଲା ତ ଏଇଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଏନିୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ କରିଦେଇପାରିବା ହା ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ ଅଫ୍ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା ଭିତରେ ଥିଟା ବାଇ ଶହେ ଅଶୀ
इंटु पाए आर माइनस थीटा बाय 180 गुणी देले पाए स्मॉल आर इंटु आर प्लस आर इज इक्वल टू हाफ इंटु ये ला एल वन ये ला एल वन रा सूत्र ये ला एल टू रा सूत्र इंटु एटा ला आर प्लस आर तो ये ला हाफ इंटु चापद्वयर अंतर चापद्वयर अंतर इंटु व्यासार्ध द्वयर समष्टि व्यासार्ध द्वयर समष्टि आम यही फर्मूला पकई पार तो देख पे मैंने कह हाफ इंटु चापद्वयर दर्घ समष्टि इंटु चापद्वयर अंतर इंटु व्यासार्ध समष्टि तो ये तृतीय फर्मूला कहींपर बाटा को आम तृतीय फर्मूला कहींपर तो ये आम दुईट सूत्र ये यूज करपर गोटे बलयर क्षेत्रफल पाइले बलयर अंतर बाहर करदे यटा कह गोटे हाफ इंटु चापद्वयर समष्टि इंटु व्यासार्धद्वयर अंतर आउ गोटे हाफ इंटु चापद्वयर अंतर इंटु व्यासार्धर दर्घर समष्टि तो यही दुईट फर्मूला पाइले आपको नहीं कि सर्ट क्वेश्चन बहुत समय पड़े कि डिडक्शन भाव में यहाँ प्रमाण करा पड़े तुम भल भाव जदि यटा प्राक्टिस करदेव तो यहाँ करपर टी डिफिकल्ट अच्छी टी भादे तुम टी भल कि पशिजी ताले तुम बुझीपार जिनसटा को अदरवैज तुम्हें टे कष्टईपे तो आपको टी भल भाव ध्यान दब जदि भी किसी डाउट हो मत फोन कर पचारिपर कि मत कमेंट बक्स लिखि जन आउ थे बुझे चेष्टा करी सो तुम आपको भल भाव फोकस करके चेषा कर बहुत बहुत धन्यवाद पे मोर भिडियो गुड़ी देखुवर भिडियो गुड़ी लाइक और सेयार करने को आदम भूल ना जो मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करना शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब कर जहाँफल कि मोर आसंता भिडियो गुड़ी तुम पाखे पहुँच तार नोटिफिकेशन तुम पाइब ताको तुम यूटिलाइज कर तुम कोर्स को तुम आगे नहीं पार एवं भल भाव में प्राक्ट कर मैथमेटिक्स 100% रखापी तुम चेषा कर आजपाई एति पिला माने आसंता वीडियो रे किछ नूतन तथ्य नूतन प्रश्न समाधान तुम सामने को आसबी सेपर्यंत रुचि बाय बाय।